तीन महीने से हिंसा से जूझ रहे मणिपुर का जायजा लेने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में 21 सांसद शामिल है। राज्य के राहत शिविरों में लोगों से बातचीत करना और उनकी तकलीफें समझना प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं के कार्यक्रम का हिस्सा है। नेताओं ने चुराचांदपुर के राहत शिविर में पीड़ितों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। हाल में यहां हिंसा हुई थी। मंत्रिमंडल राज्यपाल से भी मिलेगा। देखिए, कोई रणनीति नहीं बना के आए हैं, दो अलग अलग समूह में और दोनों समूह को ये जिम्मेवारी दी गई है कि हम लोगों को सुने। इनको सुना नहीं है लोगों ने, चाहे सरकार हो या कोई और। हमारी सिर्फ कोशिश है, क्योंकि सुनना हीलिंग का हिस्सा है, ताकि हम सुन पाए और यही मैसेज कन्वे कर पाए दिल्ली में कि अगर हम कहते हैं इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, तो मणिपुर हमारा हिस्सा है ना। मणिपुर अगर सामूहिक चिंता में है तो वो हमारी चिंता भी होनी चाहिए। वही हम कोशिश करेंगे, चाहे इंफाल वैली में बात करें या चुराचंदपुर जाएं, अलग अलग रिलीफ कैंप्स में हर एक समुदाय से बात करेंगे। माइती हो, कुकी हो, जो नागा हो, कोई भी हो, सबसे बात करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज कैन एनीबडी कैन विजिट यू नो एंड आई होप दैट not only in situations like these, you know, I hope that political parties have interest in Northeast in general also, in other times also, to visit and see the difficulties and the challenges we face in the Northeast. But everybody's has a right to go, and the concerns have been expressed by everybody. I think everybody is united in the fact that we need to find peace. So it's good, and you know, whatever the suggestions they bring back, we'll see. Thank you, sir. Thank you. देखिए, वो सबसे पहले तो यही कह रहे हैं कि हमें पीस कब आएगा और हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि पीस के लिए सारे लोग मिलकर ये प्रयास करें, और निश्चित रूप से दोनों कम्युनिटी के लोग आपस में बातचीत करके भी उनको भी समझा रहे हैं, वो भी समझा रहे हैं, और दोनों कम्युनिटी के लोग भी यही चाहते हैं कि पीस आना चाहिए। और ऐसी स्थिति में हम दोनों ही कम्युनिटी के लोगों से, सीएसओ से, उनसे बात कर रहे हैं, ऑल पॉलिटिकल पार्टी से भी बात कर रहे हैं कि इन लोगों को समझाएं, हिंसा छोड़ें और एक शांति लाने के लिए एक अपील करें। चुराचांदपुर में एक राहत शिविर का दौरा करने के दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, इन लोगों का चेहरा देखकर पता चलता है कि ये डरे हुए हैं। इन लोगों को सरकार पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। बहुत भयानक स्थिति पैदा हो चुकी है। देखिए, हम आके देख रहे हैं कि आज भी लोग भूले नहीं कि उनके साथ क्या हुआ है, किस प्रकार से रात को अपने जान को बचाने के लिए घर से भागना पड़ा, किस प्रकार से उन लोगों पर हिंसा हुई, किस प्रकार से उनको धमकाया गया। वो बीते हुए जो दहशत उन्होंने अनुभव किया है, आज भी वो जख्म आज बहुत गहरा है, और बहुत कुछ हमको साथ मिलकर करना पड़ेगा। उधर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल पर हमला बोला और कहा कि ये गठबंधन के सांसदों का दिखावा है जो मणिपुर गए हैं। उन्हें बंगाल और राजस्थान भी जाना चाहिए जहां पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। लोग आज मणिपुर जाने का ढोंग कर रहे हैं। मैंने उनसे आग्रह कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं के साथ जो अपराधी घटनाएं हुई, उनकी जो हत्याएं हुई, चुनावों में जिन लोगों को मारा गया, क्या कांग्रेस और विपक्षी दलों के लोग पश्चिम बंगाल आएंगे? क्या अपने राज्यों में इस गठबंधन के बाकी 19 सदस्यों को लाएंगे? सवाल है कांग्रेस के नेताओं से और विपक्षी दल के नेताओं से, क्या राजस्थान में प्रतिदिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है? कहीं पर पति के सामने पत्नी के साथ बलात्कार किया जाता है, उसको हत्या पर मजबूर होना। इससे पहले मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने 26 राजनीतिक दलों के सांसदों के प्रतिनिधित्व करने वाली इस टीम का स्वागत किया था और कहा था कि उन्हें राहत शिविरों का दौरा करना चाहिए और उन लोगों से मिलना चाहिए जो लगभग 3 महीने से अपने घरों से बाहर हैं।
हम मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की अपनी मांग के संबंध में सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे। इट्स बेटर लेट देम गो देयर, बट द ओनली थिंग इज दैट आफ्टर गोइंग देयर इफ दे कैन सजेस्ट सम गुड थिंग्स दैट विल बी गुड, अदरवाइज द हाउ कैन दे ब्रिंग दैट आइडिया दैट कैन बी डिस्कस हियर। मणिपुर में संसद में घमासान के बाद अब राज्य में विपक्षी नेताओं के दौरे से मसले को सियासी तूल जरूर मिली है, लेकिन करीब 88 दिन से चल रहा विवाद और हिंसा पर विपक्ष इतनी देर से क्यों जागा, ये भी सवाल है। वैसे इंडिया गठबंधन बनने के बाद मणिपुर पर सियासी तेजी गठबंधन की पहली परीक्षा के रूप में भी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।